नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के बीमार पड़े ट्रैफिक सिग्नल, नगरीय प्रशासन की लापरवाही के चलते पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था। कोचिंग संचालकों को यातायात विभाग ने दिया नोटिस, पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठाया कदम। पेंशनधारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा लोकसभा चुनाव के पूर्व मांग पूरी नहीं हुई तो 11 करोड़ पेंशनधारी नोटा दबाकर हटाएंगे बीजेपी सरकार। लांजी के ग्राम भोरसा डोंगरी के एक व्यक्ति ने स्वयं को लगाई आग, जिला अस्पताल में हुई मौत। जहरीली वस्तु के सेवन से एक छात्रा की मौत, लालबर्रा के खामघाट की घटना। कटंगी के तिरोड़ी सर्किल बोल डोंगरी के खेत में मिला वन्य प्राणी तेंदुए का शव, डॉग स्क्वाड के साथ आरोपियों का पता लगाने में जुटा विभाग। और अब समाचार विस्तार से। महानगरों की तर्ज पर जिले की यातायात व्यवस्था को पुख्ता करने के मकसद से नगरीय प्रशासन के द्वारा नगर के प्रमुख चौक चौराहों में हाईटेक ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन लाल पीली रोशनी वाले इन ट्रैफिक सिग्नलों का जादू कुछ ही माह तक लोगों को लुभाता रहा। वर्तमान में इन ट्रैफिक सिग्नल की हालत एक बीमार मरीज की तरह हो गई है, जिसका इलाज करने में नगरीय प्रशासन पूरी तरह से असफल नजर आ रहा है। वहीं ट्रैफिक सिग्नल के लगने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात विभाग ने भी बड़ी मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक सिग्नल में तैनात होकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के शांत होने के साथ ही यातायात विभाग ने भी इस मामले को लेकर चुप्पी साध ली। हालांकि यातायात विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर पालिका के साथ सतत पत्राचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर के सबसे व्यस्ततम चौक कालीपुतली चौक और हनुमान चौक में लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। जहां एक ओर हनुमान चौक का ट्रैफिक सिग्नल काफी माह से बंद पड़ा है, वहीं कालीपुतली चौक में लगे ट्रैफिक सिग्नल लोगों के लिए पहेली बन चुके हैं। जहां सिग्नल में तकनीकी त्रुटि के चलते सिग्नल की लाइट कभी चालू तो कभी बंद हो जाती है, वहीं आधी रात को ट्रैफिक सिग्नल बाकायदा काम करने लगता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों की सहूलियत की लगाया है। काफ़ी दिनों से ये जो है बंद है, काम नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो चालू करना चाहिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, कभी भी घटना घट सकती है। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ट्रैफिक किसके अंदर में, लाइट वाला, ट्रैफिक वालों का? तो नगर पालिका के द्वारा इसको लगाया गया था, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से दिक्कत होगी लोगों को? दिक्कत तो हो ही रही है, आने जाने में तकलीफ हो रही लोगों को, क्योंकि कभी दुर्घटना हो सकती है। ट्रैफिक चालू रहेगा तो लोग अपना उसके अनुसार चलेंगे। यानी यातायात व्यवस्था पूरी डगमगाई है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान वाहन चालक सुरेश कुमार ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को ट्रैफिक सिग्नल की सुध लेनी चाहिए, क्योंकि सिग्नल बंद होने के कारण हादसों का अंदेशा बना हुआ है। अभी आप यहां पर देख रहे हैं जो यातायात व्यवस्था है, क्या क्या विचार है आपका? सिग्नल बंद है, दुर्घटना होगी, संभव ही है ना, कोई ट्रैफिक का
कार्यकर्ता खड़ा है, ना कोई कर्मचारी है यहाँ पर। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? शासन की लापरवाही है। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल जो लगाया जाता है किस वजह से लगाया जाता है? सब अपने नियम से चले, जिसको जिस तरफ जाना उस तरफ का सिग्नल चलता रहे, सिग्नल ही बंद पड़ा, जिसको जहाँ लगेगा वो घुसेगा। सड़क हादसों की पूरी 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 संभावना है, लापरवाही होना ही है, लापरवाही शासन की है, पुलिस विभाग ध्यान नहीं देता। वहीं इस मामले में यातायात पुलिस प्रभारी मनोज मेहरा ने कहा कि नगर के ट्रैफिक सिग्नल को लेकर लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग और नगरपालिका प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, सिग्नल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। सर, एक और समस्या देखा गया है अपने शहर में, जो ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी दिनों से जो है। हाँ, उसके लिए हम लगातार हर पंद्रह दिन में लगातार सिग्नलों के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को प्लस अपने नगरपालिका सीएमओ को पत्राचार पेश किया गया है। उनके द्वारा सिग्नल की टाइमिंग जो है वो थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बात हुई थी, तो उन्होंने सिग्नलों को दुरुस्त करने के लिए आश्वासन दिया है। शीघ्र ही जो समय पर जब यातायात का ज़्यादा दबाव रहता है तब उसकी टाइमिंग निर्धारित की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। सर, उसमें कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि रात टेक्निकल समस्या बताई है, उसके टेक्निकल इंजीनियर आते हैं, क्योंकि रात के समय ठीक हो जाता है ट्रैफिक सिग्नल और उसके दिन में। उसके लिए पत्राचार भी किया है और मेरी फ़ोन से बात हुई, उन्होंने कहा शीघ्र शाम के समय वो सुचारू रूप से चलें, तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया, पत्राचार भी किया गया। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफरे ने कहा कि नगरपालिका के द्वारा दो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल को लेकर व्यवस्था की जा रही है, एक माह के भीतर ट्रैफिक सिग्नल को सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा। नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को विश्व एड्स दिवस पखवाड़े का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने एचआईवी स्थिति जाने की थीम पर निबंध, पोस्टर, भाषण, स्लोगन एवं रंगोली जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन में विजय प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज के सभी स्टाफ का विशेष योगदान रहा, जिसके संबंध में कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अनुभूति सैंडीवन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं सुमन विश्वकर्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय अतिथि विद्वान बालाघाट से। ये विश्व एड्स जागरूकता पखवाड़ा दिवस एक प्रतियोगिता हमारे महाविद्यालय में संचालित की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगी ने ये सफलता प्राप्त की। और रेड रिबन प्रभारी शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट की रेड रिबन इकाई के द्वारा विश्व एड्स जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया, जिसका आज हमने यहाँ पे समापन किया है। और इस पखवाड़े के दौरान हमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें भाषण था, निबंध था, स्लोगन था, रंगोली था, पोस्टर था, इस तरह की कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और आज उस प्रतियोगिता के समापन में हमारे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दिनेश मेश्राम के द्वारा प्रतियोगी में जो सफल प्रतिभागी हुए हैं उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, और जिन छात्राओं ने इसमें सहभागिता दी थी उनको भी सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और इस पूरे पखवाड़े के दौरान हमारे महाविद्यालय परिवार का भरपूर सहयोग रहा, और विशेषकर रेड रिबन कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं, जिसमें कुमारी सुमन विश्वकर्मा, कुमारी बबली सेंडे, डॉक्टर क्रांति जैन और कुमारी पूजा जायसवाल का विशेष सहयोग। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरसा डोंगरी के टीका राम आमाडारे ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टीका राम की उसकी पत्नी के द्वारा शराब ना पीने की बात कहने के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया था। जहरीली वस्तु के सेवन से बेहोश एक बालक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक बालक अरुण बाघाड़े ग्राम खामघाट लालबर्रा निवासी है। जानकारी के मुताबिक अरुण कक्षा 8वीं का छात्र था। गुरुवार को अरुण के उल्टी करने के दौरान खेत में डालने वाली दवा की दुर्गंध आ रही थी, तभी उसके पिता ने अचेत हुए अरुण को लालबर्रा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
संदिग्ध स्थिति में मृत विचाराधीन बंदी पेंडारे वाही के शव का पोस्टमार्टम आज जिला अस्पताल में चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया गया, जिसके बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने पेंडारी वाही की मौत पर शंका व्यक्त करते हुए शिकायत करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक विचाराधीन बंदी पेंडारी वाहे ग्राम परसवाड़ा थाना किरनापुर पुलिस ने पेंडारी वाहे की हत्या के मामले में गिरफ्तार करके 12 अगस्त 2018 को बालाघाट की अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जिला जेल में लाया गया था। 12 दिसंबर को जेल में अचानक तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हमारी गीता बाहे ये मृतक है, ये कौन है आपके? मेरे पिता। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या जानकारी लगी आपको और कब जानकारी लगी? नहीं, जानकारी तो रात को लगी, 12 बजे। बोले पेंडारी मेहतर बोले बहुत सीरियस है, बोले आके देख लो बोले। तो हमने बोले अभी रात में कैसे आएंगे, अभी हमारे पास कुछ साधन नहीं है, साधन होता तो हम आ जाते। तो बोले फिर ऐसा तो कुछ नहीं बोले, फिर बोले कलश तो मिले थे और बाबूजी से, तो बाबूजी ने बोले कि मैंने पूछी तबीयत कैसे है बाबूजी, बाबूजी ने बोले मैं अच्छा हूँ, बोले 2 दिन पहले बोले डॉक्टर क्या गया था बोले। तो मैंने बोली खाना वाना अच्छा खाते हो कि नहीं, बोली तो खाते हैं बोले, बस थोड़ा सा बोले तबीयत अच्छा खराब हुआ था बोले, बस हो गया बोले, फिर सुधर गया हूँ बोले, अभी बस बोले मेरे को बोले निकालने के लिए पैसे जमा कर बोले, किसी भी हालत में बोले। नहीं किए होंगे मारपीट, नहीं किए होंगे ऐसा लगता है आपको? मारपीट करे होंगे कि नहीं करे होंगे? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? कल। कलच है, कल कलच है और 12 के करीब, हाँ 12-6 बजे। और कब मौत होना बताया आपको, यानी आप जब आए तब क्या बताए? रात को बताई, 12 बजे फोन किए थे ना कि पेंडारी मेहतर बहुत सीरियस है, आप आ जाओ देखने के लिए। तो अभी इसकी क्या कोई जांच वाच करवाएंगे आप, किसी को शिकायत करेंगे इस मामले की? जी करवाऊंगी। कहाँ शिकायत करेंगे? जहाँ से लाए थे, किरनापुर से शिकायत। ठीक जी, बताइए आज सब का पोस्टमार्टम किया गया, जेल से कैदी था, क्या है पूरा मामला? बेचारा दिन बंदी था जो मृतक जो है पेंडारी पिता मेहतर, उम्र 58 साल, परसवाड़ा है ये, 12-8-2018 से जिला जेल में निरुद्ध था ये। इसके मृत अवस्था में जो है अस्पताल लाने की सूचना जो है तो अस्पताल तहरीर के माध्यम से मिली थी, मर कायम करके जो है नायब तहसीलदार महोदय से जो है शव का पंचनामा कर जो है शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं एक अन्य घटना में रूपझर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उकवा के छिंदी टोला में पति के द्वारा मारपीट किए जाने के मानसिक तनाव में एक महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। आग से झुलसने से गंभीर महिला श्रीमती सुषमा परते को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लालबर्रा के ग्राम पंचायत पनबिहरी वार्ड क्रमांक 18 में तहसील कार्यालय रोड में मौजूद नाली का पंचायत के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत पक्की सीमेंट कंक्रीट नाली का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे वर्षों से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे वार्डवासियों को निजात मिलेगी। वहीं ग्रामीण मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। इस संदर्भ में मजदूरों और वार्डवासियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इस समस्या को पद्मेश न्यूज में प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। कौन सा कार्य किया जा रहा है यहाँ पे आपके द्वारा? नाली काम चल रहा है। तो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? मिस्त्री काम। मिस्त्री का कितने दिनों से कार्य चालू है यहाँ पे? ये 4-5 दिन हो गए चालू है, अभी हमारा काम 4-5 दिन से चालू है, लेकिन पहले से नाली का काम चालू है। तो कहाँ से कहाँ तक की नाली बना रही है ये? अपने हॉस्पिटल के पास से अपना सराटी नदी तक पूरी बन रही है। पूरी बन रही है। निर्माण कार्य से लगभग कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा यहाँ? करीबन 20 लोग काम करते हैं।
मेरा राजेश चौक से मेट ग्राम पंचायत पनवेरी। कौन सा कार्य किया जा रहा है यहाँ पे? ये अपने सीसी नाली निर्माण कार्य। तो कितनी लंबी नाली बनाई गई है? 545 मिनट। तो कितने दिनों से कार्य चालू हुई है? अभी काम तो करीब मैंने 27 चालू है। इसके पहले से काम चालू हो चुका था, लेकिन बीच में कुछ चुनाव वैसे रुक दिया प्रारंभ का प्रोग्राम। क्या यहाँ पे कितनी कौन सी नाली मुख्य नाली की? ये अपनी सबसे मेन नाली कहलाती है। गाँव भर का जो पानी है, पूरी पनवेरी का जो पानी है, वो पूरा पानी इसी नाले से जाता है। ये समस्या है? कब से समस्या थी? ये समस्या तो बहुत दिनों से, ये बनना पहले था, क्योंकि रोड थी ना, रोड साथ बनने वाली, उस समय नहीं बन पाई, छोटी नाली बन रही थी, तो सरपंच साहब ने बोले छोटी। वारासुरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत धानी टोला में बुधवार को दो यात्री बस की टक्कर होने से 12 यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक वारासुनी से जा रही यात्री बस एवं एसटी बस में धानी टोला में यात्री बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एसटी बस को पीछे से टक्कर मार दिया, जिसके कारण 12 लोग घायल हो गए। अजल लाल धमगाए वो रोड। कहाँ जा रहे थे आप? हम बालाघाट से लखनवाड़ा जा रहे थे। अच्छा, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ बस का? ये धानी टोला में हुआ सर। कितने बजे की बात होगी लगभग? ये 3:30 बजे की बात लगभग। कैसे हो गया? दोनों बस आपस में टकराई क्या? टकराई नहीं सर, महाराष्ट्र की एसटी बस आगे खड़ी थी, ये पीछे से शर्मा ट्रेवल्स लिखा था, पीछे से जा रही थी और उसको टक्कर मार दी, और जैसे ही टक्कर मारी तो दोनों के कांच फूट गए और हमको बहुत जोर से लगा। तो दोनों बस के यात्री घायल हुए क्या? हाँ नहीं, उसके आगे वाले के नहीं हुए, पीछे से जो टक्कर मारा। उसमें कितने बस में कितने लोग सवार थे? सवार तो 25 लोग रहे होंगे, पर 12-15 लोगों को लगा है ज्यादा। किसी को ज्यादा चोटें आई क्या? एकदम ज्यादा तो नहीं आए, किसी को निकला, किसी कटा है, किसी को। उन्होंने कहाँ कहाँ ले गए? जैसे आप बाकी लोगों को बुधबुध हॉस्पिटल ले गए, हम 3 लोग वाराणसी हॉस्पिटल आए। अभी ठीक है तभी आपकी राहत है? अभी तो लगा है। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल के निवास में उनके पिता श्री एवं जिले के समाज सेवी वरिष्ठ कांग्रेसी स्वर्गीय अमृतलाल जायसवाल की 23वीं पुण्यतिथि बुधवार को गरिमामय माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर परिवार वालों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय श्री जायसवाल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में सभी ने समाज व देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। बाबूजी के पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे वाराणसी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से, और जनता ने जो कल जनादेश दिया है उनके सुपुत्र बुड्ढा भैया को निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी निश्चित रूप से बाबूजी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि जनता ने दी है। और जो काम बाबूजी ने कांग्रेस के सिपाही बनकर प्रारंभ किया था और जिसको पूरा करने का अंजाम काम बुड्ढा भैया ने किया है, और उसके बाद जैसी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। आज हमारे मार्गदर्शक लाला जी अमृतलाल जायसवाल जी की पुण्यतिथि है, और इस अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदीप जायसवाल जी हमारे जो विधायक हैं उनके निज निवास पर गरीब नारायण घोष का और शहर के गरीब कस्बे के लोगों को जो भोजन कराने का कार्य किया जाता है, वो सुचारू रूप से इस बार भी कराया जा रहा है। और निश्चित ही इस बार की क्षेत्र की जनता ने बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बुड्ढा भैया को निर्दलीय चुनाव जिताकर चौथी बार जो विधानसभा भेजा है, वो हमारी क्षेत्र की तरफ से बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुराचार और लड़की को बेचने के मामले में आरोपी सुनील कुमार रहांगडाले को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 12 दिसंबर को यह फैसला अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की विद्वान अदालत ने सुनाया है।
नगर के गोंदिया रोड स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के द्वारा कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, लेकिन पार्किंग व्यवस्था न होने के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस लिहाज से यातायात पुलिस ने कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया है। आपको बताया कि गोंदिया रोड में हो रहे सड़क हादसों को लेकर यातायात पुलिस के द्वारा कोचिंग संचालकों की मीटिंग लेकर उन्हें समझाइश दी गई थी कि वे पार्किंग व्यवस्था बेहतर करें, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था ठीक न होने के चलते यातायात पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं कोचिंग संचालकों की माने तो उनके यहाँ पार्किंग को लेकर छात्र को निर्देशित किया गया है। वहीं यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वर्तमान में ये देखा गया है कि जो गोंदिया रोड से लेकर हनुमान चौराहे तक गोंदिया रोड पे यानी लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके नीचे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो हमने ऐसे संचालक को चिन्हित कर लिया है और कोई नोटिस जारी कर रहे हैं कि वे अपनी पार्किंग सुनिश्चित करें और रोड के किनारे जो भी वाहन है उसे 3 फीट अंदर लगाएं। कितने ऐसे कोचिंग कराए जाएंगे तक, कितने कोचिंग संचालकों को नोटिस हमने नोटिफाई किए हैं? 10 हैं जो कि बेसिकली जिनमें काफ़ी अधिक मात्रा में भीड़ आती है, तो उनको हम नोटिस जारी करके हिदायत दे रहे हैं कि अपने स्टूडेंट और जो भी छात्राएँ आते हैं पार्किंग यानी उनको निर्धारित स्थल पर लगाएं ताकि निकट भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना की संभावना। वन परिक्षेत्र कटंगी के तिरोड़ी सर्किल अंतर्गत बोल डोंगरी के एक खेत में वन्य प्राणी तेंदुए का शव वन विभाग ने बरामद किया है, जिसका दाहिना पंजा गायब है। वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुओं के शिकार की आशंका जताई है, जिसके चलते डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर मुख्य वन संरक्षक देवा प्रसाद एवं उप वन मंडल अधिकारी LK वाशनिक ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। तेंदुए का शव स्वर्गीय रूपचंद रांगडा लेके खेत में मिला है। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही अब सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार के अधीनस्थ आने वाले कर्मचारी और पेंशनधारी कर्मचारी भी लोकसभा चुनाव के पूर्व अपनी सभी मांगें पूरी करवाने के लिए आमदा हैं, जिसको लेकर इन कर्मचारियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व ही अपनी विभिन्न मांगें पूरी करवाने के लिए कर्मचारियों द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा इन कर्मचारियों के द्वारा आचार संहिता के पहले मांग पूरी ना होने पर नोटा के बटन दबाकर बीजेपी सरकार को केंद्र से हटाने की योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के पदाधिकारियों ने 7,500 रुपए पेंशन, महंगाई भत्ता, कोशियार कमेटी की सिफारिशें लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हुंकार भरी। साथ ही 29 दिसंबर को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। आयोजित इस प्रांतीय सम्मेलन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येड़े ने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो महासंघ से जुड़े सभी पेंशनधारी नोटा के बटन को दबाकर केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने का काम करेंगे। रमजान खान चौहान जी, शंकर लाल जी पारधी, कादर खान जी, शब्बीर कुरैशी जी के बारे में बोलूंगा, फिर पूरा इसके ऊपर एग्जेम्प्टेड और आपको नहीं लिख सकती इसको, बढ़ दीजिए लोग आपके हिमाचल में जो आज काम पे है।
मिनिस्ट्री हमारी फॉर्म होती है तो हम निश्चित रूप से करेंगे। अभी तो 4.5 साल हुए, अभी कुछ हुआ नहीं है, और यही लेके ये लोगों के दिमाग में है। हम 11 करोड़ हमारे लोग हैं, उनको फिजिकली तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन वैचारिक लेवल पे इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वो मतदान में आते हैं, मतदान में उसको परिवर्तित होते हैं, तो एक बहुत बड़ी जबरदस्त धक्का निश्चित रूप से बीजेपी को बैठेगा, ये मेरा मानना है। करते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे डेफिनेटली, ये भी बता। कुल मिला के आचार संहिता के पहले अगर होता है, होता है आप लोगों का तो ठीक है उनका, नहीं तो 11 करोड़ नोटा लगेंगे। नहीं 11 करोड़ सभी लोग हमारे सुनेंगे ऐसा नहीं ना, मैं अदरवाइज मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं फिजिकली उनको इकट्ठा नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन वैचारिक लेवल पे अभी तक हमने उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है, सफल भी रहे हैं। हमारी सभा को 25,000 लोग निश्चित रूप से रहते हैं, तो मैं ये बताता हूँ कि अगर उन्होंने निगेटिव वोट की बात उनके दिल में आई तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ा धक्का है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी मैं बोल नहीं सकता, जवाबदारी से मैं बोल रहा हूँ। और आने वाले चंद 4 जनवरी में एक लास्ट मीटिंग है हाई पावर कमेटी की, जो कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 जनवरी को फैसला हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है कि समथिंग एक कोई तो भी या इधर या उधर 4 जनवरी को फैसला होगा। हाँ रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है ऐसा मैं बोलता हूँ, और ये अच्छा हो इसलिए परमेश्वर प्रभु से भी हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरसिवनी के बालाघाट रोड वार्ड नंबर 3, 4, 5 में रोड किनारे से नाली का निर्माण नहीं होने से परेशान वार्ड वासियों ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम श्री बोपचे को ज्ञापन सौंपकर बंद नाली निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। इस संदर्भ में वार्ड वासियों का क्या कहना है आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर एस पी शर्मा, मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज बारासूरी। किस मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपने आए थे आप? आज हम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय को ये सूचना देने आए थे कि जो बालाघाट सड़क निर्माण कंपनी है रामराज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके द्वारा दोनों साइड में नाली का निर्माण किया जाना है, लेकिन हमारे साइड में एक साइड के पूरा छोड़ दिया गया है, और ऐसा पता लगा है कि इनकी कार्यवधि भी समाप्त होने वाली है। यदि इस स्थिति में यदि कार्य बंद रहा और नाली नहीं बनेगी तो हम वार्ड नंबर 3, 4, 5 के निवासियों को बहुत दिक्कत होने वाली है। और जैसे क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये कि जैसे 2 दिन पहले पानी, थोड़ा सा पानी, हल्की बरसात हुई और वो रोड का पूरा पानी हमारे घर के आंगन तक, पूरा पीछे तक चला गया, और बरसात में तो बहुत स्थिति गड़बड़ होने वाली है। तो ये निर्माण कंपनी क्यों नहीं बना रही, क्या बोल रहे हैं? अब उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि इसकी डिज़ाइन हमारे निर्माण कार्य में नहीं है, इस नाली का अंदर की नालियाँ बन रही और अब तक वहाँ तक नहीं है। तो ये हमने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पैच को छोड़ के नाली बनाएंगे और दूसरे पैच में नाली ना बनाएंगे, तो बोले अब ठीक है, हम उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया है कि हम टेक्निकल असिस्टेंट से संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी लेकर आपको सूचना देंगे। तो क्या ललित मिश्रा, वार्ड नंबर 4 बालाघाट। किस समस्या को लेकर पहुंचे थे आप? क्या है जो रोड निर्माण कंपनी द्वारा क्या होता है, नाली का निर्माण नहीं किया जा रहा, उसके संबंध में अधिकारी को बताने आए थे कि क्या बोलते हैं निर्माण कंपनी द्वारा क्या बोलते हैं काम बंद कर दिया गया है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अभी बीच में इन्हें नाली खोद दिए थे, हमारे घर के सामने नाली खोद भी दी गई थी, जो कि आपके चैनल के माध्यम से बताया भी गया था कि उन्होंने क्या बोलते हैं खोद दिए और कार्य नहीं करवा रहे हैं करके, उन्होंने उसको उठा के बंद करवा दिया। और अब जब मिलने गए तो उनका कहना ये आ रहा है कि हमारे डिज़ाइन में ये नहीं है, तो इसमें क्या होते हैं, एक तो ठेकेदार लापरवाही पूरी तरीके से वो है, क्योंकि इनकी रोड भी ख़राब होगी, अगर जब पानी निकासी नहीं होगा तो, और घर में घुसेगा पानी नहीं होगा तो उसमें रोड में भरा रहेगा तो रोड भी ख़राब होगी। अगर नाली का निर्माण नहीं होगा तो क्या बोलते हैं अभी अनुभागीय अधिकारी को अपन ने ज्ञापन दिए हैं, क्या उन पर तक मुख्यमंत्री तक क्या बोलते हैं इस बात को ले जाएंगे। वहीं MPRDC के सहायक महाप्रबंधक दिलीप टेकाम ने कहा कि नाली निर्माण के संबंध में शिकायत मिली है, नाली निर्माण कार्य जल्द करवाने निर्माण कंपनी को निर्देशित किया जाएगा।
नगर पालिका परिषद वारा सिवनी के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत गुरुवार को नगर के 14 दुकानों से 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन जब्त कर दुकानदारों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई। नगर पालिका के द्वारा इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदारों के द्वारा पॉलिथीन को छुपा देने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में जबलपुर से पहुंची सुश्री शिल्पा पाठक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वो सेठ जी की फोटो आ जाएंगे उसी के। की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सभी दुकानों से पॉलिथीन जब्त की प्रक्रिया की गई। इसमें करीब 14 चालान काटे गए, जिसमें 500 रुपये प्रति दुकानदार से जुर्माना किया गया। लोगों से यही अपील है कि अब निरंतर रूप से हम इस मुहिम को चलाएंगे और लोग जल्दी समझें, और हम नहीं चाहते कि उनसे जुर्माना लें। तो वो लोगों से अपील करें कि ग्राहक जो भी आते हैं वो कपड़े का थैला लेकर आए और पॉलीथीन से शहर को बचाएं और वातावरण को प्रदूषित होने से। कितने माइक्रोन के पॉलीथीन का उपयोग? 50 माइक्रोन से नीचे का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होता, उसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए 50 माइक्रोन के ऊपर की पॉलीथीन यूज कर सकते हैं, लेकिन 50 माइक्रोन के नीचे की पॉलीथीन प्रतिबंधित है। पहचान के लिए क्या है? पहचान के लिए एक सैंपल है, तो उस सैंपल से हम हाथ से छूकर पता कर सकते हैं कि जो मोटा पॉलीथीन होता है वो 50 माइक्रोन से ऊपर, और उससे पतला जो रंगीन कलर का पॉलीथीन होता है वो अधिकांशतः 50 माइक्रोन से नीचे ही होता है। तो कितनी जब्त की और उसको क्या करेंगे आप? करीब कितना क्विंटल? 70 केजी जब्त किया जा चुका है, और इसे अब ट्रेंचिंग ग्राउंड सरंडी में जो हमारे पास है वहाँ पर एकत्रित किया जाएगा। फिर जो जबलपुर में संयंत्र स्थापित है उससे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसे वहाँ पर भेजा जाएगा। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी या एक दिन आज की? निरंतर जारी रहेगी। कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई और कितने चालान वसूली की? 14 दुकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है, अभी कार्यक्रम चालू है। ब्रिटेन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के बीमार पड़े ट्रैफिक सिग्नल, नगरीय प्रशासन की लापरवाही के चलते पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था। कोचिंग संचालकों को यातायात विभाग ने दिया नोटिस, पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठाया कदम। पेंशनधारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा लोकसभा चुनाव के पूर्व मांग पूरी नहीं हुई तो 11 करोड़ पेंशनधारी नोटा दबाकर हटाएंगे बीजेपी सरकार। लांजी के ग्राम भोरसा डोंगरी के एक व्यक्ति ने स्वयं को लगाई आग, जिला अस्पताल में हुई मौत। जहरीली वस्तु के सेवन से एक छात्रा की मौत, लालबर्रा के खामघाट की घटना। कटंगी के तिरोड़ी सर्किल बोल डोंगरी के खेत में मिला वन्य प्राणी तेंदुए का शव, डॉग स्क्वाड के साथ आरोपियों का पता लगाने में जुटा विभाग। तो ये थी अब तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।